या और किसी जरिए को जो हक अधिकार मिले हैं उनको वो छीनना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करके या संविधान को खत्म करके। ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जागरूक हैं और ऐसे लोगों को अपने वोट का प्रयोग करके और जो आप बिहार की सरकार हो। चर्चा है कि आप कांग्रेस से गठबंधन करेंगे, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी तो कोई चर्चा नहीं, आपसे मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अभी ऐसी तो कोई बात नहीं, फिलहाल कोई बात नहीं है आगे के बारे में कहने। क्या किसी गठबंधन में आप शामिल होंगे? अभी तो हम लोगों की पार्टी छोटी पार्टी है, हम लोग अभी 3 साल हो गए शुरुआत की, तो हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग अच्छी तैयारी करें और सब सीटों पर लड़ें। हमें अपनी पहचान बनानी है, अपनी पार्टी को हर जगह पहुँचाना है, तो हमारे लिए बेहतर तो ये है कि हम हर जगह लड़ें। लेकिन फिर भी जो परिस्थितियाँ कहेंगी, अगर हमारे साथी इसके लिए एग्री होंगे, कोई हमसे बात करेगा हमारे विचारधाराओं से होकर के, जरूर हम कहीं ना कहीं एनडीए को हराने के लिए सारी पार्टियाँ तुम भेंट करोगे, क्या आपका उसमें किसी भागीदारी रहेगी? इसके साथ भागीदारी नहीं, 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 नहीं। एनडीए या और जो दूसरा पक्ष है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए तो मेन मुद्दा ये है कि जो गरीब और कमजोर लोगों के हित के बारे में सोचे, जो हित उनके हित में काम करे उनके बारे में, उनके ठीक। बजट पर आपका क्या कहना है? सपा बसपा गठबंधन पे आप क्या? ये तो उन्हीं से पूछे हमसे। बजट कैसा रहा? बजट पे क्या कहना है? बजट का तो आप लोग बहुत बाखूबी जानकारी रखते हैं, लेकिन बजट में जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, उससे किसी को, किसी गरीब को, किसी किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। 4.5 साल बाद, 5 साल बाद 6,000 रुपया किसान को मिलेगा, 2,000 पहले उसके खाते में जाएगा, वो भी 1-2 हेक्टेयर से जो कम मिलती ज़मीन है, वो तो एक चुनाव के मौके पर कोशिश की गई है कि भाई हमको लोग वोट करें, और एक तरह से उसको जो कहा जा सकता है अच्छा नहीं था। यूपी में गठबंधन होने के बाद सपा और बसपा के नेताओं के घर छापेमारी करिए, कब कोई ईडी कर रही है, कभी सीबीआई कर रही है, यहाँ सुने तो फिर बात ठीक है।